गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ निशा शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास सेकेंड. दिस इज़ योर मैथ्स नोटबुक, इट्स योर टेक्स्ट बुक. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू टॉपिक्स ऑफ 12th चैप्टर, गिव एंड टेक. बीट्स, वन नेकलेस में 10 बीट्स थे और उसके थ्रू हम एडिशन सीख रहे थे. सो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी टॉपिक्स. सो लेट्स वी स्टार्ट विथ दिस पेज नंबर 199, वेंकटेशास कैंटीन. वेंकटेशा की कैंटीन. और आपको ये होमवर्क दिया था मैंने प्रैक्टिस टाइम का, ठीक है, नॉर्मल एडिशन करने थे. ओके, आई होप ये आपने किया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसमें भी हमें एडिशन ही करना है. सो देखते हैं, हेल्प वेंकटेशा टू मेक द बिल्स. वेंकटेशा की हेल्प करनी है बिल बनाने के लिए, ठीक है. तो डोसा है 23 रुपीस का, उत्पम है 28 रुपीस का, तो टोटल बिल कितना हो गया? 8 के बाद 3 काउंट करो, 9, 10, 11 का 1, कैरी 1, 2 + 1, 3, 3 + 2, 5. इडली है 15 रुपीस की, कॉफी है 8 रुपीस की, तो हमें टोटल करना है 8 + 5. 8 के बाद 5 काउंट करेंगे तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13. 13 हो गया तो 3 आ गया हमारा और कैरी लग जाएगा 1, ठीक है. तो 1 + 1, 2 हो गया, तो हमारा टोटल बिल हो जाएगा उसका 23, ठीक है. दही वड़ा है 25 रुपीस का और चिली राइस 18 रुपीस के हैं, तो हमारा टोटल बिल हो जाएगा 8 + 5, 13. 13 का 3, कैरी 1, 2 + 1, 3 + 1, 4. इस तरीके से ऐड करेंगे. 27 + 5, 7 के बाद 5 काउंट करो, 8, 9, 10, 11, 12. 12 का 2, कैरी 1, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 42. नेक्स्ट, इट्स टाइम टू बाय. अब ये टाइम आ गया हमारा खरीदने का. ओ यू अगेन मोर होमवर्क. ओ यू अगेन, फिर से आप मुझे होमवर्क दे रहे हो. नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल एंड 5 इरेजर. आज मैं क्या खरीदने आई हूँ? 8 पेंसिल्स और 5 इरेजर, ठीक है. श्योर, द पेंसिल्स कॉस्ट 16 रुपीज. 1 पेंसिल की कॉस्ट 16 रुपीज हो गई. द इरेजर कॉस्ट 15 रुपीज. 16 रुपीज मीन्स 1 10 रुपीज नोट एंड 6 1 रुपीज कॉइन. अब वो अपना टोटल कर रही है. शॉपकीपर ने तो सारे चीजों के उसको एक ही बार में उसको सारी कॉस्ट बता दी है कि 8 पेंसिल्स कितने रुपीज की आएंगी? 16 रुपीज की. और 5 इरेजर आपके 15 रुपीज के आएंगे. तो वो हिसाब लगा रही है. 16 रुपीज का मतलब हो गया 10 रुपीज का 1 नोट, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 रुपीज के 1 रुपीज के कॉइन्स ले लिए. और 15 में 10 रुपीज का 1 नोट, 1, 2, 3, 4, 5. 5 रुपीज के खुले हुए. यानी कि हम वही तो कर रहे थे, 1 10 नेकलेस ले रहे थे, तो उसमें नेकलेस में 10 बीट्स ले रहे थे और एक नेकलेस में 10 बीट्स हो गए और बाकी हम लूज बीट्स ले रहे थे. इस तरीके से हम एडिशन कर रहे थे, तो वो भी इसी तरीके से एडिशन कर रही है. तो देखो, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 16 + 15, ठीक है. तो 5 + 5, 10 + 1, 11. तो 11 का हो गया 1, कैरी 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 1, 3, ठीक है. और दूसरे तरीके से वो नेकलेस बनाते हैं ना, 10 का 1 नेकलेस बन जाता है. तो देखो, 10 रुपीज 10 रुपीज, और यहाँ पे 1 रुपीज के कॉइन से हमने 10 रुपीज का एक नोट बनाया, तो 10 + 10 + 10, 30 और 31. आई पुट द कॉइन टुगेदर, हमने कॉइन्स को साथ में रखा. देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम 1 10 and 1 लूज, ठीक है. तो एक 10 रुपए की नोट बन जाएगी और एक सिक्का जो है वो रिमेनिंग हो जाएगा, यानी बच जाएगा, ठीक है. तो 16 + 15, 6 + 5, 1, 11 होता है. तो 1 का यहाँ 1 हमने यहाँ लिखा और कैरी 1 दे दिया, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया?
थ्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31. वेरी गुड. नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल, यानी कि यहाँ पे देखो 3 नोट हो रही हैं और 1 कॉइन है. ठीक है. I have to pay 31 rupees, but I have rupees 40. अब मुझे 31 rupees आपको देने हैं, लेकिन मेरे पास कितने रुपए हैं? 40 rupees है. तो 40 में से 31 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. तो वो जो बचे हुए रुपए हैं वो शॉपकीपर उसको वापस कर देगा. तो देखो यहाँ पे कितने रुपीस बचते हैं, 10 में से. अब जीरो में से 1 तो हमारा नहीं जाता, तो ये इसको एक 1 कॉइन देगा. तो ये 1 से ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 3. 10 में से 1 गया तो 9, और 3 में से 3 गए तो 0. यानी वो शॉपकीपर उसको कितने रुपीस वापस देगा? आई विल गेट बैक 9 रुपीस. सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक. तो वो बोल रहा है कि तुम निकालो, बताओ कैसे कितने रुपए तुम्हें मुझे वापस देना है. तो 9 रुपीस आप मुझे वापस दोगे, उसको पता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका ये प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको. शेखर हैज 32 रुपीज. शेखर के पास 32 रुपीज है. ही बॉट अ बॉल फॉर 17 रुपीज. उसने एक बॉल खरीदी 17 रुपीज की. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम. अब बताओ उसके पास कितने रुपए बचे. 32 रुपीज उसके वो घर से लेकर गया था, उसने एक बॉल खरीदी 17 रुपीज की. अब उसके पास कितने बचे, तो हम कैसे निकालेंगे? 32 में से 17 को माइनस कर देंगे. 32 माइनस 17. आई हैव अ शॉर्टकट. इफ आई टेक 2 कॉइन्स फ्रॉम 32, 2 कॉइन्स फ्रॉम 17, आई विल बी लेफ्ट विथ 30 माइनस 15. हम इस तरीके से नहीं करेंगे. देखो 2 में से 7 माइनस नहीं होता, तो हम 3 में से 1 इसको देंगे, तो ये हो गया हमारा 12, और ये हमारा हो जाएगा 2. ठीक है. तो 12 में से 7 गए, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 5 बचे. ठीक है. देखो कैसे करेंगे. 12 में से 7, 7 के बाद काउंट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बचे. तो ये हो गया हमारा 5. अब 2 में से 1 गया, तो क्योंकि इसने इसको 1 कैरी दिया था, इसने इससे बोरो किया था. ठीक है. तो ये 2 में से 1 गया, तो ओनली 1 रिमेनिंग. ओके. सोनी बॉट बिस्किट्स फॉर 24 रुपीज. सोनी ने बिस्किट खरीदे 24 रुपीज के, एंड पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर रुपीज 16. हाउ मच मनी विल शी पे. अब उसने इतने रुपीज बिस्किट के लिए, इतने पैकेट चिप्स के पैकेट के लिए दिए हैं, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ा. तो हम ऐड करेंगे, 24 रुपीज़ उसने बिस्किट के लिए दिए, 16 रुपीज़ उसने चिप्स के पैकेट के लिए दिए. तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 6 के बाद बोलो, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 4 ऐड कर दिया, 10 हो गया. 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, यानी हमारा आंसर हो गया 40. यानी उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 40 रुपीस. फंटुश हैड 64 रुपीस. ही स्पेंट 39 रुपीस एट द फेयर. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम. अब देखो फंटुश के पास टोटल 64 रुपीस थे, और उसने 39 रुपीस मेले में खर्च कर दिए. ठीक है. तो उसके पास अब कितने बचे, अब कितने बचे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये आप खुद से करना. 4 में से 9 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 9, 14 में से 9 माइनस करेंगे, तो 9 के बाद काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 5 बचा. तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 6 हमारा हो गया था 5, क्योंकि इसने इसको 1 कैरी दिया था, जिससे ये 14 बना था. 5 में से 3 गए तो 2. ठीक है. तो हम उसके पास कितने बचे, 25 रुपीस. So this is it for this class. Your chapter is over here. In next video, we will study 13th chapter. Okay. Tab tak ke liye, take care. Bye-bye.